हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं मोहन सोडा, एग्री ट्यूटोरियल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो अपन टॉपिक ले रहे हैं वो ले रहे हैं कि किस हिसाब से एग्जाम्स के अंतिम दिनों में एग्रीकल्चर को पढ़ के अधिक से अधिक मार्क्स प्राप्त किए जा सके और अधिक से अधिक क्वेश्चन को राइट किया जा सके, ठीक है ना। सबसे मैं पहले चलता हूँ, जो जेट का पेपर होता है, बीएचयू और आईसीआर के पेपर हो चुके हैं। अब मैं बात कर रहा हूं जो जेट का पेपर है उसमें कितने क्वेश्चन आते हैं, 40 क्वेश्चन आते हैं एग्रीकल्चर के, जिसमें तीन सब्जेक्ट होती है, कौन कौन सी, एग्रोनॉमी जैसे अपन क्या जानते हैं, सस्य विज्ञान के नाम से जानते हैं, और क्या है, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। क्या है, एनिमल हस्बेंड्री। तीन सब्जेक्ट है, 15 क्वेश्चन एग्रोनॉमी के, 15 क्वेश्चन हॉर्टिकल्चर के, और 10 क्वेश्चन किसके आते हैं, एनिमल हस्बेंड्री के। हालांकि पहले थोड़ा बहुत क्या होता था, एग्रोनॉमी का पोर्शन थोड़ा ज्यादा आता था, लेकिन जो पिछले पेपर आ रहे हैं इसमें 15-15 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो सबसे जो मैं पहले आपको बता देना चाहूं कि आप ऐसी जो गलतियां ना करें लास्ट दिनों में, ताकि आपके जो है वो गलत हो जाए क्वेश्चन, ठीक है ना। तो कुछ एक लोग हैं जो बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं और हो सकता है एक साल से ड्रॉप है, उन्होंने जेट का पहले पेपर दे रखा है, तो उनको पता है कि उन्होंने कहां पर गलतियां की हैं, उस वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है ना। कुछ एक लोग हैं जो इस साल 12th पास करके आए हैं, तो उनके लिए भी ये जानना जरूरी है कि हम ऐसा क्या नहीं करें जिसकी वजह से हमारे जो पेपर है वो उस पर ज्यादा फर्क नहीं पड़े, और लास्ट के दिनों में हम इतना बड़ा सिलेबस कैसे कवर करें, ठीक है ना। तो सबसे जो पहले है वो मैं आप ले रहा हूँ एग्रोनॉमी की। एग्रोनॉमी में कौन से मेजर टॉपिक हैं जिसको इम्पोर्टेंट आपको लेना है, और आराम से देखना है कि इन टॉपिक को लास्ट दिनों में जरूर और जरूर देखना है। तो सबसे जो मैं पहले आपको बता दूं, एग्रोनॉमी जो है, एग्रोनॉमी में अगर मैं क्रॉप्स की बात करूं, सबसे पहले मैं क्रॉप्स की बात कर रहा हूं, तो फसलें हैं उसकी अगर मैं बात करूं, तो इसमें आपको ज्यादातर बात करनी है किस्मों के ऊपर। किस्में कम नहीं है, बहुत ही ज्यादा है, जितने भी आपको नोट्सों में मिली है उसको आप देखिए, और पुराने जो पेपर है उसमें आप देखिए कि क्वेश्चन किस हिसाब से पुस्तक हुआ है। तो किस्में हैं इसके लिए मैं आपको एक वीडियो उपलब्ध करा दूंगा इस एग्जाम से पहले, तो उसको अपन ट्रिक्स के हिसाब से आप देख लेना, तो आपके फंडे वहां से क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं जो बीज दर है, जो फसलों की बीज दर है, वो भी आपसे हो सकता है पूछी जा सकती है, तो उसको भी आपको थोड़ा सा आराम से लेना है। उसके बाद ज्यादातर बात करें तो लोग कंफ्यूज कहां पे होंगे, प्रोटीन और तेल के ऊपर, जो फसलों में तेल की मात्रा है, प्रोटीन की मात्रा है वो कितनी होती है, तो इसमें क्या होता है कभी एक बार दिक्कत हो जाती है, क्योंकि पास पास डाटा रहता है, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, ऐसा कुछ परसेंटेज आधार पर होता है, तो उस समय अपन को याद तो आ जाता है, फिर अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये था कि वो था, तो इसको भी थोड़ा सा आराम से ले लेना तेल और प्रोटीन को, ठीक है ना। अब मैं ज्यादा कुछ और बताना नहीं चाहूंगा क्रॉप्स के अंतर्गत। अब जिसने क्रॉप्स पढ़ी है उसके लिए तो इजी है, जिसने नहीं पढ़ी है उसके लिए बहुत ही हार्ड है कि इतनी बड़ी क्रॉप्स कब जाके पढ़ के हम रहेंगे, तो उसके लिए तो अपना हाल फिलहाल तो कुछ है नहीं, बाद में आप जब वापिस तैयारी करो तो उसके लिए तो फिर आराम से टाइम है, लेकिन अभी जो एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो उतना ही है, ठीक है ना। उसके बाद थोड़ा सा 2N देख लेना, ठीक है ना, 2N थोड़ा सा देख लेना कि 2N जो गुणसूत्र होते हैं वो फसलों के, उसके बाद जो फैमिली है उसको भी आपको थोड़ा सा मेजर तरीके से ध्यान रखना है। उसके बाद मैं चल रहा हूँ मेजर जो टॉपिक है एग्रोनॉमी के जो अपने कोर्स में है उसकी अगर मैं बात करूं, तो उसमें अगर मैं महत्वपूर्ण जो बात करूं जहां से अपना क्वेश्चन गलत होने की संभावना है, वो आपका टॉपिक है उर्वरक। हालांकि इसको आप बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़े होंगे, बहुत सारे आपने पेपर भी दिए होंगे, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, तो यहाँ से क्या होता है कि जो परसेंटेज होते हैं, अम्ल तुल्यांक है, क्षार तुल्यांक है, जो आपके यूरिया वूरिया होते हैं इसमें जो है आपकी मात्रा पूछी जा सकती है, SSP में कितनी मात्रा होती है, DAP में कितनी परसेंटेज मात्रा पाई जाती है, तो वहां पे परसेंटेज सबके एक जैसे अपन को दिखाई देते हैं, तो वहां पर भूलने की प्रयास हो सकता है, तो वहां पे थोड़ा सा इसको ध्यान रखना उर्वरक को, ओके। उससे बाद आगे चलता हूँ जैव उर्वरक में कोई दिक्कत नहीं, जिसने पढ़ा है उसके लिए बहुत ही अच्छा है और बहुत ही सिंपल टॉपिक है। उसके बाद में मैं चल रहा हूँ बीज से क्वेश्चन गलत होने की संभावना, बीज से हम क्या पढ़े, बीज से जब मैंने आपको सीड करवाया था तब मैंने बताया था कि जो अपना सीड पार्ट 2 है उसमें आप एक बार फिर से जाके आराम से देख सकते हो, जो कबीर सिंह के ऊपर मैंने आपको ट्रिक्स लिखाई थी उसमें मैंने आपको बताया था जो बीज है उसमें जो आपके केंद्रक बीज है, प्रमाणित बीज है, तो पंजीकृत बीज है, उसके ऊपर कौन कौन से टैग लगे हुए होते हैं, पीले नीले
हरे सफेद जो भी है एक्स वाई जेड उसको मैंने आराम से आपको बता रखा है। तो बीच में आप क्या पढ़ सकते हो, टैग पढ़ सकते हो। क्या पढ़ सकते हो, टैग को आप आराम से पढ़ सकते हो। उसके बाद मैं चलता हूं मौसम में कि मौसम में हम क्या पढ़े, कि मौसम में आप क्या पढ़ोगे। तो मौसम में मैं आपको बता देना चाहूं जो चार मंडल है, क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, आयन मंडल है, उसको आप जो उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसके जो फैक्टर होते हैं कि ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घट रहा है कि तापमान बढ़ रहा है, मैंने पहले बता रखा है, उसको आप एक बार जरूर देखिए। उसके बाद आइसो बार, आइसो टैक, आइसो हाइट, ये समान समान जो चीजें होती है वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद थोड़ा सा बात मैं कर लूं जो अपन देखते हैं वर्षा के ऊपर, थोड़े बहुत पाला के ऊपर, भारतीय औसत वार्षिक वर्षा क्या है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। भारतीय औसत वार्षिक वर्षा का आप जानते हो 1194 है, और वहां पे वो पूछ लेगा 1200 और 1100 दोनों ऑप्शन दे देगा, तो आप वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे क्या 1100 था और आप 1100 टिक करके आ जाओगे, तो वहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक एक जो है वो आपको ऑप्शन देखने हैं, ठीक है ना। उसके बाद मैं चलता हूं पोषक तत्वों के ऊपर, हालांकि अपना रनिंग में टॉपिक पोषक तत्व ही चल रहा था, मैंने पूरा करवा दिया है, ठीक है ना। पोषक तत्व जो टॉपिक है इसमें हम क्या क्या पढ़े, तो इसकी जो कमी के लक्षण है, अधिकता के लक्षण है, वो पौधों की पत्तियों पर कांपे पाए जाते हैं, पुरानी पत्तियों के मध्य पीलापन या फिर नई पत्तियों की शिराओं के मध्य पीलापन, जो अलग चीज अपन को दिखती है उसको आप पढ़ो। तो ये तो फिक्स रहते हैं कि पीलापन हो गया, किसकी कमी है नाइट्रोजन की, नहीं, आप ऐसे पढ़ो कि भाई जो पुरानी पत्तियों की शिराओं के मध्य पीलापन, एक थोड़ी नई लाइन आ गई, जिसने पढ़ा है गहराई से वही इस क्वेश्चन को कर सकता है, और जिसने नहीं पढ़ा वो तुक्के नहीं लगा सकता, ठीक है ना। इससे ज्यादा कुछ है नहीं पोषक तत्वों से, तो पोषक तत्वों में आप दैहिक विकार के अंतर्गत इसको पढ़ते हो। अब मैं चलता हूं जो खरपतवार है, वीड है, वीड में आप क्या पढ़ोगे, वीड में आप क्या करना, जो बोटनिकल नेम है, जैसे खरपतवारों के जो बोटनिकल नेम होते हैं उसको आपको एक बार थोड़ा सा ध्यान लेकर अगर पढ़ना है, क्योंकि वहां से हो सकता है क्वेश्चन आ जाए और आपका क्वेश्चन गलत हो जाए। तो इसके बोटनिकल नाम अगर याद नहीं हुए आज अभी तक आपसे, तो एक बार अपनी नजरों से उतार लें, वहां पे ऑप्शन आते हैं तो आप करके आ सकते हो, ठीक है ना। तो उसके बाद थोड़ा सा मैं चल लूं मृदा विज्ञान के अंतर्गत, मृदा विज्ञान में क्या पढ़ना है, कुछ नहीं, कार्बनिक पदार्थ है, खनिज पदार्थ है, इनके बारे में चट्टाने वटाने जो भी आपके कोर्स में है, थोड़ा सा इसको थोड़ा लाइटली लेके देख लेना, क्योंकि हो सकता है इसमें परसेंटेज मात्रा है, थोड़ी सी परसेंटेज की मात्रा है वो थोड़ी सी हो जाती है दिक्कत। फिर खाद है, खाद में तो फिक्स ही है, कुछ चीजें जिसने पढ़ा है उसके लिए इजी है, इसमें मैं ज्यादा कुछ बताना नहीं चाहूंगा। नंबर सेकंड की बात करूं तो हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर में हम क्या क्या चीजें पढ़े, क्या हम हॉर्टिकल्चर में क्या पढ़े, तो हॉर्टिकल्चर में सीधी सी बात है, एक तो पढ़नी है आपको वेराइटी, वेराइटी को आराम से देखना है, क्योंकि वेराइटी पूछी जाएगी और आपसे हर बार गलत हो जाएगी, क्योंकि वेराइटी से दिक्कत हो जाती है, इतनी सारी वेराइटियां याद नहीं होती, कुछ एक लोग तो होते हैं वेराइटी को छोड़ ही देते हैं कि चलो एक क्वेश्चन गलत हो गया तो हो गया, चलो मान लो एक क्वेश्चन, तो आप ऐसे क्यों नहीं सोचते, अगर मान लो तो 15 क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें अगर 5 क्वेश्चन वेराइटी आ गया तो फिर तुम्हारे तो वहां पे तो आपके लोग सोच के बैठे हैं कि हम 35 के अबव करके आएंगे, तो फिर वहां पे आपका मामला गड़बड़ हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। तो किसमें थोड़ी सी ध्यान रखना, इसके बाद मैं खुद एक नेक्स्ट वीडियो डालूंगा जिसमें आपको बहुत ही शानदार तरीके से ट्रिक्स लिखा के आपको बता दूंगा। उसके बाद थोड़ा सा बीज दर, ठीक है ना, बीज दर, 2N और फैमिली, ये थोड़ा सा हॉर्टिकल्चर है, याद रखना, ठीक। उसके बाद मैं चलूं जो कुकरबिटेसी है, कुकरबिटेसी में हम क्या पढ़े, ठीक है ना, कुकरबिटेसी जो है, जैसे कि खरबूज हो गया, तरबूज हो गया, इसकी बीज दर आपको याद रखनी है, क्या करना है, इसकी बीज दर आपको याद रखनी है, और 2N है ये भी आपको याद करने है, ओके। ये तो कुकरबिटेसी की बातें थी, उसके बाद आपके जो नोट्स है उसमें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा दिया होगा, खाने योग्य बाग है, उपनाम हो गए, ये तो आपको इजिली आते होंगे, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। इसमें बस इतना ही है कि किसमें याद रखनी है, बीज दर याद रखनी, 2N और फैमिली, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा पोर्शन है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल दोनों ही हैं, तो थोड़ा सा इसको आराम से लेना है। उसके बाद नंबर 3rd पे पोर्शन आता है, कौन सा है, ये सबसे इजी पोर्शन रहता है पेपर का, तो इसमें आपको क्या पढ़ना है, यहाँ पे आपकी दिक्कत कहाँ पे हो सकती है, तो हो सकती है औषधियों में, कहाँ पे हो सकती है, औषधियों में आपकी परेशानी हो सकती है, औषधियों को आप आराम से देखिए, मन लगाकर पढ़िए, 5 से 7 बार लिख लिख के पढ़िए, हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन गलत, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को आज ही। उसके बाद रोग, जो पशु के अंतर्गत रोग हो जाते हैं उसको भी आपको बहुत ही शानदार तरीके से देखना है, नहीं तो यहाँ से क्वेश्चन गलत हो सकता है। ये जो बातें थी मैं आपको बता देना चाहता था कि कौन कौन सी जो है, हम लास्ट में तो बहुत ही टाइम कम है, बहुत बड़ा सिलेबस है, इसको कैसे कवर करें, तो ये चीजें हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता था कि जो चीजें हैं इस हिसाब से आप पढ़ोगे तो आप, ये जो आपके थे तीनों पोर्शन थे, मैंने बहुत ही शानदार तरीके से, मेरे को लगा कि आपके यहाँ से क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, मैंने आपको
सही तरीके से बता दिया है। आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके भी इसको याद कर सकते हो, कोई बात नहीं कि कौन कौन से टॉपिक है हमें बताए गए थे। ये बात थी, थोड़ा सा इसको आराम से लेना एग्रोनॉमी को, क्योंकि ये थ्योरी सब्जेक्ट है और थ्योरी जिसने पढ़ी है, जिसके कंसेप्ट क्लियर है, वही लोग हैं वहां पे जाके एग्जाम्स में अपने जो है क्वेश्चन सही करके आ सकते हैं। ऐसे नहीं कि हम पढ़े नहीं और हमारे क्वेश्चन सही हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई सा भी फंडा नहीं। जिसने पढ़ा है वही क्वेश्चन सही करके आ सकता है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो अपने टेलीग्राम चैनल है उस पर रोज इंक्वायरीज होती है उसको आप ज्वाइन करें। कम दिन बच रहे हैं तो उसको आप उसका जो है फायदा उठाएं, ताकि आपको फायदा हो सके और आप आगे बढ़ सको और अपने एग्जाम्स में अपने जो है वो सीट को पक्की कर सकें। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।